हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल राउंड के लिए वैकेंसी किस तरह से चेक करने का। स्पेशल राउंड का फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया है, तो किस तरह से फॉर्म फिलिंग करने का है ये आपको पता चला रहेगा। अभी हम लोग बात करेंगे कि वैकेंसी के हेल्प से किस तरह से फॉर्म फिलिंग करें और कैसे पता करें कि जो कॉलेज में हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे सीट्स अवेलेबल है या नहीं, तो उसके रिलेटेड आज का वीडियो है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिए, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आ गए हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ पे आने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वैकेंसी फॉर अ स्पेशल राउंड 1 पब्लिश करके यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे वैकेंसी के टैब में जाने के बाद आप लोग को वैकेंसी फॉर राउंड 1, 2, 3 एंड स्पेशल राउंड का वैकेंसी दिखाई देगा। तो इसको आपको सिंपली ओपन करने का है। तो ये ओपन होने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे वो ओपन करके रखा है वैकेंसी लिस्ट, तो आप लोग देख सकते हो ये वैकेंसी लिस्ट। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें पहले ही एडजस्ट कर दी है ताकि आपको यहाँ पे सर्च करना इजी जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक फिल्टर लगा दिया है। फिल्टर लगाने का प्रोसेस आपको पता रहेगा, तो ये देखिए यहाँ पे आप लोग फिल्टर लगा दीजिए ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो जाए। एंड फ्रीज भी कर दिया है ताकि आपका जो टॉप वाला जो कॉलम है, सॉरी रो है, वो वैसे रहे। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो कोई भी कॉलेजेस का वैकेंसी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे पहले कॉलेज का ही एक बार देख लेते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह से क्या क्या चेक करने का यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दादर विद्या मंदिर, ये जूनियर कॉलेज जो माटुंगा रोड में है उससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है और उनका यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। अभी ये जो फील्ड है आप लोग देख सकते हैं ये कॉमर्स से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको स्ट्रीम दिखाई देगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिकली स्ट्रीम सिलेक्ट करने का है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए आर्ट्स कॉमर्स अकाउंटिंग एंड ये सब चीज़ें आप लोग को जो भी सिलेक्ट यहाँ पे करने का है, साइंस वगैरह वोकेशनल वगैरह ये सब यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये होने के बाद आप लोग को क्या करने का है, ये वाले लास्ट वाले सेक्शन में आ जाने का है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, ये पूरा का पूरा कॉमर्स का है, ये पूरा इतना लाइन पूरा अपना कॉमर्स का है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से, इसको मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से वैकेंसी डिस्प्ले हो रही है। तो देखिए टोटल उनका इनटेक का कैपेसिटी 320 का था। तो आप लोग देख सकते हो एससी के जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कैटेगरी है, अगर आप लोग स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हो, आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है और आप लोग एससी से हो तो आपके लिए 2 सीट्स अवेलेबल है। आप लोग अर्थक्वेक प्रो अफेक्टेड एरिया से हो तो 2 सीट्स है, ऑर्फन रहेंगे तो 0 PH वाले रहेंगे, फिजिकल हैंडीकेप दो 2 सीट्स अवेलेबल है, वुमेन के लिए 13 सीट्स अवेलेबल है, टेक्निकल एंड बाईफोकल वगैरह जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी यहाँ पे सीट्स अवेलेबल नहीं है। प्योर प्योर का मतलब गाइज इसमें से कुछ भी नहीं है, दैट इज स्पोर्ट्स में नहीं आ रहे हो आप लोग, प्रोजेक्ट या अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया में नहीं आ रहे हो, ऑर्फन में नहीं हो, पीएच में नहीं हो या वुमेन के कैटेगरी में नहीं आ रहे हो तो आप लोग प्योर में कंसिडर करोगे। तो प्योर में आपके लिए यहाँ पे कितने सीट्स अवेलेबल है, तो 17 सीट्स गाइज अवेलेबल है। तो आप लोग ये वाले कॉलेज में आपके मार्क्स के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो और बाकी भी आप लोग देख सकते हो कैटेगरी वगैरह भी दिया है यहाँ पे। एंड सेम टाइम पे आप लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हो उनके सीट्स कितने अवेलेबल है, जनरल मतलब ओपन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जनरल वाला जो कॉलम है वहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे आपको देखने का अपने कितने सीट्स अवेलेबल है। माइनॉरिटीज यहाँ पे देख सकते हो 0 है, मैनेजमेंट कोटा के कुछ सीट्स अवेलेबल है और इन हाउस के कुछ सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो टोटल यहाँ पे जितना भी अवेलेबिलिटी सीट है वो आपको पता चल जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स देखिए, अगर नियर बाय मार्क्स है इनका कट ऑफ चेक करिए, कट ऑफ आपको किस तरह से चेक करने का है ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। तो वहाँ पे जाके कट ऑफ चेक करिए उस कॉलेज का कितना है, आपके मार्क्स देखिए और वैकेंसी देखिए, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के आप लोग आसानी से कॉलेज यहाँ पे फिल कर सकते हो और बहुत बार चांसेस रहेगा कि आपको वो कॉलेज लग सकता है। बाकी भी और एक कॉलेज का हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे मैंने वजह केलकर जो कॉलेज है मुलुंड में सिचुएटेड है उसका यहाँ पे मैंने डिटेल्स निकाला है। अभी हम लोग अगर इसका कॉलेज का वैकेंसी चेक करें तो आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ यहाँ पे इनका ये जो पार्ट है ये सब इसमें आ रहा है वजह केलकर के इसमें, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे उस जगह पे आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही रहेगी, दैट इज सीट्स 0000 दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप लोग यहाँ पे जब भी फॉर्म फिलिंग करते हो ये कॉलेज के बारे में सोच रहे हो तो आपको सोच समझ के यहाँ पे फॉर्म फिलिंग करना पड़ेगा। जैसे कि एससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 0 सीट्स अवेलेबल हैं, तो वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उनको
एससी के कैटेगरी थ्रू एडमिशन मिलना पॉसिबल नहीं है। एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 11 सीट्स है, बाकी भी आप लोग देख सकते हो इसके अकॉर्डिंगली किसको कितना सीट्स है। मैनेजमेंट कोटा के यहाँ पे 2 सीट्स अवेलेबल है, माइनॉरिटी इनाउंस के सीट्स नहीं है, यहाँ पे जनरल के 1 ही सीट्स अवेलेबल है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम सीट्स ये वाले कॉलेजेस में अवेलेबल है। तो आप लोग को आइडिया आया रहेगा किस तरह से आप लोग वैकेंसी चेक करके अपना फॉर्म फिलिंग कंप्लीट कर सकते हो। तो आप लोग को ये ज़रूर देखना है क्योंकि अगर आप लोग कोई कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो और वहाँ पे सीट्स से अवेलेबल नहीं रहेगी आपकी कैटेगरी की तो आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल सकता। तो आपका वो और ये जो लास्ट चांस है वो वेस्ट हो सकता है। इसके लिए आप लोग को इसका देन अपना कट ऑफ एंड देन अपने मार्क्स इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के प्रॉपरली कॉलेज इंसर्ट कर देने के हैं जिससे आपको आसानी से सीट्स मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया रहेगा। इसके अलावा और भी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए।